साइबर सिटी के हाई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा चोरी मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड बीजेपी नेता व दो नामी डॉक्टरों ने 3 दिन की एसटीएफ रिमांड के दौरान की गई पूछताछ के दौरान कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम अब और हरकत में आ गई है। वहीं सूत्रों की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े नेताओं सहित कई बड़े लोगों के नाम भी अब सामने आ सकते हैं। एक 309 नंबर का एफआईआर दर्ज हुआ था खिड़की दौला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में, जिसकी तफ्तीश गुड़गांव पुलिस कर रही थी और उसको डीजीपी के आदेश से 30 अक्टूबर को ट्रांसफर किया था एसटीएफ में। इस केस की तफ्तीश को उस पर तफ्तीश करते हुए एसटीएफ ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले एक संदीप बुधवार अलेस नेटू और एक डॉक्टर अश्विनी तहला, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैसे वो सरेंडर हुए थे और उनको गिरफ्तार करके उनके पास जो पैसा है वो बरामद किया है, अराउंड 3.90 करोड़ वर्थ इंडियन कैश और इंडियन नेशनल रुपीज और 3 किलो सोना और लगभग 64,500 डॉलर्स। ये मामला था चोरी का। एक अल्फा जी कंपनी है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था और इनका रियल एस्टेट का भी एक प्राइवेट कंपनी है। सो जो 2 अक्यूज्ड पेश हुए थे उनके मुताबिक ये था कि ये इस कंपनी का कुछ पैसा कैश इन्हीं की सोसाइटी है एक गुड़गांव उनके नाम पे, इनके 2 फ्लैटों में रखा हुआ था और ये उनकी चोरी हो गई थी। वो पैसा क्या था नहीं था वो कंपनी ने कोई क्लियर डिटेल नहीं दे रखा था, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक 50 लाख का दिखाया हुआ, 50 लाख की चोरी हुई उसने। और इसको लेते हुए गुड़गांव पुलिस ने 10 जनों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से 3.90 करोड़ रुपए की नकदी, 3 किलो सोना सहित करीब 64,000 यूएसए डॉलर बरामद कर ले गए हैं। एसटीएफ अधिकारी की माने तो रियल एस्टेट कंपनी द्वारा हरियाणा के डीजीपी को 50 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत दी गई थी, जिसकी जांच डीजीपी द्वारा एसटीएफ को सौंप दी गई थी। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने जो राशि बरामद की है वो वास्तव में ही चौंका देने वाली है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इससे पहले इसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात पुलिस कर्मी सहित अन्य कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस हाई प्रोफाइल चोरी मामले में लगातार आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पुलिस की जांच में अभी एक कुख्यात गैंगस्टर विकास लगरपुरिया सहित 10 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। जहां एसटीएफ की टीम पुलिस रिमांड के बाद एक आरोपी को जेल भेज चुकी है, वहीं दूसरे आरोपी से चोरी के बारे में बारीकी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।